हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो देख रहे हैं वो स्कैम्पर टूल देख रहे हैं, और डिजाइनिंग के अंदर जो स्कैम्पर टूल है वो आपको डिजाइनिंग के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी। जब भी आप प्रोडक्ट डिजाइन करोगे, सो यू हैव टू डिजाइन दैट प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ स्कैम्पर टूल। ठीक है, अब स्कैम्पर टूल है क्या उसको सबसे पहले समझते हैं। जो स्कैम्पर जो पूरा वर्ड है उसका मीनिंग कुछ इस तरीके से होता है। एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, सी का मतलब होता है कंबाइन, ए का मतलब होता है एडेप्ट, एम का मतलब होता है मॉडिफाई, मैग्नीफाई, मिनीफाई, पी का मतलब होता है पुट टू अदर यूज, ई का मतलब होता है एलिमिनेट, और आर का मतलब होता है रिवर्स एंड रीअरेंजमेंट। अब इसको समझते हैं किस तरीके से। मान लो कि आप जो प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो उसमें आप क्या चीजें कर सकते हो, तो उसको आप पूरा पूरा स्कैम्पर टूल चेक करना है उसके लिए। ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं मोबाइल के ऊपर काम कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है या फिर मेरा जो डोमेन है मोबाइल है, तो मैं इस तरीके से आपको स्कैम्पर टूल समझाऊंगा। आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको उस तरीके से रिलेट करना है। ठीक है, सो मैं मेरा जो डोमेन है दैट इज मोबाइल। ठीक है, अब मैं मोबाइल के लिए काम कर रहा हूं ना, तो देखो मोबाइल में किस तरीके से स्कैम्पर टिप को किसी भी किस तरीके से स्कैम्पर टूल का यूज किया है वो हम समझते हैं, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो आप ये जो आपकी जो चीज है उसमें कोई ऐसी कोई चीज है, मान लो कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें आपको कोई और चीज सब्स्टिट्यूट करने से, ठीक है, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता है। जिस तरीके से आप देख सकते थे पहले जो मोबाइल आते थे वो सिंपल मोबाइल आते थे, ठीक है, फिर उसमें आपने देखा कैमरा सब्स्टिट्यूट किया गया, रिकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट किया गया, फ्रंट कैमरा आया, म्यूजिक आया, जीपीएस आया, तो ये क्या हुआ? सो उस जो प्रोडक्ट थी आपके मोबाइल के अंदर आपने बाकी सारी चीज उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करी। ठीक है, तो जिस जो करने से आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी यूटिलिटी, यानी आप मान लो कि उसका जो परफॉर्मेंस है या उसकी जो मार्केट में उसकी डिमांड है तो वो बढ़ गई, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस बढ़ गया। सो आपका जो प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्या कोई और चीज सब्स्टिट्यूट करके उसका परफॉर्मेंस या फिर उसकी यूजेबिलिटी क्या एनहेंस किया जा सकता है? So you have to think, मैं क्या कोई चीज सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं या फिर जो ऑलरेडी चीज है उसको हटा के कोई दूसरी चीज वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? यू हैव टू थिंक लाइक दैट। ठीक है, फिर सेकंड आता है कंबाइन। क्या आपके प्रोडक्ट के अंदर है वो दूसरी चीज कंबाइन करके क्या उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो? जैसे कि मान लो कि मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप कैमरा कंबाइन कर सकते हो। मोबाइल के अंदर कैमरा कंबाइन कर दिया हमने, तो मोबाइल विद फोन जो मोबाइल है उसमें कैमरा आ गया, तो कंबाइन होने की वजह से उसकी जो यूजेबिलिटी है वो बढ़ गई। ठीक है, तो आप कुछ आपकी प्रोडक्ट है उसमें क्या दूसरी चीज आप कंबाइन करके उसका परफॉर्मेंस या फिर उसकी यूजेबिलिटी आप बढ़ा सकते हो, तो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐसी दूसरी चीज क्या ऐड कर सकते हो, क्या दूसरी चीज को कंबाइन कर सकते हो, तो वो आपको सोचना है। ठीक है, फिर आता है आप सब्स्टिट्यूट में आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि जैसे कि आपके पास मोबाइल था जिसमें टच पैड था, ठीक है, तो टच पैड था तो ज्यादा जगह रोकता था, टच पैड ने आपको हटा दिया, उसकी जगह पे आपने टच स्क्रीन ला दी, तो वो भी एक सब्स्टिट्यूट है जिसने मोबाइल का परफॉर्मेंस इंप्रूव किया। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट, दैट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, फिर आता है एडेप्ट। तो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी चीज एडेप्ट करके उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, उसको बेटर बना सकते हैं। जैसे कि मोबाइल ने क्या किया, एंड्रॉइड जो प्लेटफॉर्म है उसको एडेप्ट किया, उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो मोबाइल ने एडॉप्ट करके रखे हुए, तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो आपको प्रोडक्ट एडॉप्ट कर सकता है, ठीक है, आप कौन सी चीजें जिसको एडॉप्ट करा के उसका परफॉर्मेंस या उसकी यूजेबिलिटी या जो भी सोच रहे हो उसको इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है मॉडिफाई, मैग्नीफाई, मिनीफाई। कोई ऐसी चीज है जिसको मॉडिफाई किया गया हो या मैग्नीफाई मिनीफाई, तो आपको लगता है अगर प्रोडक्ट में कोई मॉडिफाई करने की जरूरत, जैसे कि मोबाइल है तो पावर बटन की जगह मॉडिफाई हो रही है, अलग अलग जगह पे आ रहा है, या फिर मैग्नीफाई जो आप देख रहे हो उसकी स्क्रीन है उसको मैग्नीफाई यानी बड़ा किया जा रहा है, या किसी भी चीज इसको छोटा किया जा रहा हो, ऐसा कोई चीज है आपको प्रोडक्ट में जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो या फिर मैग्नीफाई या उसको मिनीफाई करना चाहते हो, जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस है दैट विल बी बेटर हो जाए। ठीक है, फिर आता है पी, पुट टू अदर यूज। तो आपको क्या लग रहा है आपके प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ नॉट ओनली आपका जो फंक्शन है उसके अलावा भी कोई दूसरी चीज उसके साथ हो सके। जैसे कि मोबाइल है तो आप सिर्फ बात ही नहीं कर सकते, उसके साथ आप म्यूजिक भी सुन सकते हो या फिर उसके कैमरा भी रिकॉर्ड वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर जीपीएस से उसको भी यूज कर सकते हो आप। तो ये जो मोबाइल है ना, तो इसमें उसका और भी यूज इस्तेमाल हो सकता है। आप प्रोडक्ट में क्या ऐसी कोई चीज डालना चाह रहे हो या फिर आप प्रोडक्ट है आपका उसका कोई अदर तरीके से उसका यूज हो सकता है, यू हैव टू थिंक दैट वे। ठीक है, फिर आता है एलिमिनेट। आप आपके चीज के अंदर, आपके डिवाइस के अंदर, आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसको एलिमिनेट करके आप अपना कॉस्टिंग या फिर उसका परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव कर सकते हो। जैसे कि मोबाइल में था तो पहले टचपैड आता, टचपैड ज्यादा जगह रोकता था, स्क्रीन छोटी होती थी, फिर लोगों ने क्या सोचा पूरा टचपैड ही एलिमिनेट कर दिया और उसको टच स्क्रीन पे ला दिया, तो स्क्रीन बढ़ गई और इस तरीके से उनका फायदा हुआ। सो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के अंदर आप एलिमिनेट सोच सकते हो। ठीक है,
फिर आता है रिवर्स एंड रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो अब आपका जो प्रोडक्ट है उसका आप कुछ रीअरेंजमेंट कर सकते हो, आपको लग रहा है कि इस जगह पे नहीं होना चाहिए, कुछ अलग जगह पे हो जाए तो इससे कुछ फायदा हो जाए, तो आप कुछ रीअरेंजमेंट के बारे में सोचते हैं। रिवर्स इफेक्ट क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ये मोबाइल था तो हम बात करते थे, अब बोलते थे और दूसरा आदमी सुनता था। अब देखो सीरी भी आ गया है, एप्पल के अंदर जो है सीरी आ गया, आप बोलोगे वो सर्च करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ रिवर्स इफेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिवर्स इफेक्ट के बारे में भी कुछ सोचना है, या फिर उसको प्रोडक्ट में कुछ रीअरेंजमेंट करने के उसका इम्प्रूवमेंट बढ़ सकता है। तो यू हैव टू थिंक भाई क्या कुछ सब्स्टिट्यूट हो सकता है, कुछ कॉम्बा है, कुछ एडेप्ट, कुछ मॉडिफाई, कुछ पुट टू अदर यूज, एलिमिनेट, रिवर्स। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, यू हैव टू पास थ्रू ऑल दिस चेकलिस्ट, ठीक है। तो ये जो होता है स्कैम्पर टूल, इसका आप डिजाइन के लिए यूज करते हो, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।